सो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कशन करेंगे पर्ण जीर्णता यानी लीफ संचेषण और पर्ण विलगन यानी लीफ ऑक्सीजन, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन पर्ण जीर्णता क्या होती है। तो पर्ण जीर्णता के अंदर क्या होता है कि जो पत्तियां होती है उसके पीले पड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो पर्ण जीर्णता कहलाती है। यानी पत्ती होती है वो धीरे धीरे पीले पड़ती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्ण जीर्णता। तो अर्थात क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि पत्तियों की जो धीरे धीरे मृत्यु होती है ना, डेथ हो जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं, एक रूप से पर्ण जीर्णता बोलते हैं। तो ये पर्ण जीर्णता होती है जो कि क्या, एक अनुवांशिक रूप से है ना, जेनेटिक रूप से रेगुलेट होती है। और ये जो आउटर फैक्टर होते हैं यानी जो बाह्य कारक होते हैं उससे भी क्या होती है, इफेक्ट यानी उससे भी प्रभावित होती है। तो पत्तियों के जो रोगग्रस्त व जल की कमी से भी क्या होती है, जो जीर्ण पर्ण जीर्णता होती है वो प्रेरित होती है। यानी पत्तियों, यदि रोग हो जाता है पत्तियों में, किसी प्रकार की डिजीज हो जाती है या उसमें वाटर की कमी हो जाती है, तो वो पर्ण जीर्णता को प्रेरित करती है। तो कई बार क्या होता है कि जो नई पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां बनेंगी तो जो पुरानी पत्तियां होगी उनको प्रकाश यानी उनको लाइट, उनका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और उनको जल न मिलने के कारण क्या होता है, उनका प्रकाश संश्लेषण होगा, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा, कुछ समय बाद ये पत्तियां होती हैं पीली पड़ जाती है और पीली पड़ के झड़ जाती है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि प्लांट को क्या, उस पत्ती को क्या नहीं मिला, क्लोरोप्लास्ट होता है उस पत्ती का, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, पत्ती होती है वो पीली पड़ जाती है और पीली पड़ के झड़ जाती है। फिर आता है कि पर्ण जीर्णता के अंदर क्या होता है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है और जो इथाइलिन होता है, ये दोनों क्या है, प्लांट हार्मोन है। तो इन दोनों की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है वो मानी जाती है। तो ये दोनों प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, पर्ण जीर्णता होती है उसको प्रेरित भी करते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि पर्ण जीर्णता को प्रेरित, स्टिमुलेट यानी करने का, ठीक है। फिर आता है कि कोई भी मान लो एनवायरनमेंट फैक्टर आ गया, दबाव आ गया उनके ऊपर, जैसे जल की कमी आ गई, घाव आ गया, कोई भी डिजीज या ना हो गई उसकी, वो किसी भी प्रकार की चोट लग गई, तो क्या होता है, इथाइलिन होता है वो क्या होता है, या ना प्लांट होता है वो इथाइलिन बनाने लग जाता है, यानी इथाइलिन बनाने को प्रेरित कर देता है, जिससे क्या होता है, पर्ण जीर्णता होती है उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेजी से हो जाती है। मतलब उस पत्ती जहाँ पे चोट लगी है, घाव लगी है या जहाँ जल की कमी हुई है, उसको सारी चीज़ें होती हैं वो मिलनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ताकि प्लांट को किसी भी प्रकार की घाव या कोई भी रोग है, वो डिजीज है, वो उस पर अटैक नहीं कर सके। ठीक इसी प्रकार यदि एबीए की मात्रा में भी वातावरण के अनुसार बदल जाती है, यानी जिस प्रकार इथाइलिन की मात्रा चेंज होती है, उसी प्रकार एबीए की मात्रा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि जल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, पत्तियों में एबीए होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कभी कभी तो 50 गुना तक बढ़ जाती है। और यदि इतनी बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, यह पर्ण जीर्णता को क्या करेगी, प्रेरित यानी स्टिमुलेट करेगी। किसको करेगी, लीफ संचेषण को क्या करेगी, इफेक्ट करती है। तो ये तो थी अपनी पर्ण जीर्णता यानी लीफ संचेषण क्या होता है। अब अपन बात कर लेते हैं पर्ण विलगन यानी लीफ ऑक्सीजन क्या होता है। तो लीफ ऑक्सीजन जस्ट इसके आगे का भाग भी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना, यानी किसी भी प्रकार की उसको हानि नहीं होगी, और पत्ती होती है वो क्या होती है, प्लांट या पादप से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, पर्ण विलगन कहते हैं। तो क्या होता है, जो बहुवर्षीय जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो समय के अनुसार क्या होने लग जाती है, प्लांट होता है उससे क्या होती है, अलग होती रहती है। जैसे कि प्राय कर ये जो संभावना है वो सर्दी एंड गर्मी के मौसम में देखी जाती है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं बसंत ऋतु में, अपन बोलते होंगे पतझड़ ऋतु आ गई, मतलब प्लांट को उससे कोई हानि नहीं होती है, लेकिन जो पुरानी पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है, प्लांट से अलग हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो प्लांट होता है उसमें जो स्टेम होता है और जो लिविंग टिश्यू होते हैं ना, जीवित जो उत्तक होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, और वो जगह होती है वो उस जगह का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, और वो क्या होती है, किसी भी प्रकार के संक्रमण से क्या होती है, सुरक्षित रहती है। लेकिन क्या होता है कि जो जो प्लांट है जिससे पत्ती गिर जाती है, तो वो स्थान क्या होता है, जैसे ही वो पत्ती गिरेगी तो वो स्थान क्या होगा, जो आउटर फैक्टर होगा यानी जो बाह्य कारक होगा उसके संपर्क में आ जाता है। तो उसके संपर्क में आने से क्या होती है, उसके अंदर दो जो सुरक्षा लेयर होती है उसका निर्माण होता है, या दो सुरक्षा लेयर होती है वो उस चीज़ के क्या करेगी,
सुरक्षा करेगी। तो वो दो सुरक्षा लेयर कौन सी होती है, एक तो होती है प्राथमिक सुरक्षा लेयर और एक होती है द्वितीय सुरक्षा लेयर। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक सुरक्षा लेयर क्या होती है। तो ये जो प्राथमिक सुरक्षा लेयर होती है, ये जो मृदुतकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर लिग्निन और जो सुबेरीन होता है उसके डिपोजिशन के फलस्वरूप बनती है, है ना। प्राथमिक सुरक्षा परत है ये मृदुतकी सेल में लिग्निन और सुबेरीन के डिपोजिशन के फलस्वरूप क्या होगी, इसका फॉर्मेशन होगा। और ये क्या करेगी, ये जो मृदुतकी जो परत होती है ये प्लांट के अंदर या तो पहले से ही प्रेजेंट होती है, या मान लो प्लांट के अंदर जो सेल डिविजन होता है उसके द्वारा क्या बन जाती है, ये प्राथमिक जो सुरक्षा परत है इसका निर्माण हो जाता है। फिर अपन बात कर लेते हैं द्वितीयक सुरक्षा परत क्या होती है। तो द्वितीयक सुरक्षा परत होती है ये वास्तव में तो क्या होता है, प्रकार की पेरिडर्मल होती है। क्या होती है, पेरिडर्मल होती है। कि इस परत का निर्माण कब होता है, इस परत का निर्माण जब होता है कि जब क्या होता है कि प्लांट के द्वारा जो पत्ती होती है वो गिर जाती है, है ना, अलग हो जाती है प्लांट से, उस समय क्या होता है कि या तो उसी समय इसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस द्वितीयक सुरक्षा यानी सेकेंडरी जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसका निर्माण हो जाता है या इसका कुछ समय बाद ये बन जाती है, जिससे क्या होता है प्लांट को इन दोनों परत लेयर्स के द्वारा क्या होता है, प्लांट को जो हानि होती है, जो डिजीज होती है किसी भी प्रकार की, उससे बच सकते हैं। तो ये थे पर्ण विलगन यानी लीफ ऑक्सीजन। वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नई वीडियो में फिर मिलेंगे।